बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको अपने चैनल दुनिया आपकी अथेली पर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो कहानी लाए हैं उसका मौजू है इंजीनियर और मजदूर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक इंजीनियर बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर काम कर रहा था। एक मजदूर बिल्डिंग के नीचे अपने काम में मसरूफ था। इंजीनियर को मजदूर से काम था, बहुत ज़्यादा उसको आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुनी। इंजीनियर ने जेब से $10 का नोट निकाला और नीचे फेंका ताकि मजदूर ऊपर की तरफ मुतवज्जे हो जाए, लेकिन मजदूर ने नोट उठाकर जेब में डाला और ऊपर देखे बगैर अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरी दफ़ा इंजीनियर ने $50 का नोट निकाला और नीचे फेंका कि शायद अब इसकी बार मजदूर ऊपर की तरफ मुतवज्जे हो जाए। मजदूर ने फिर से ऊपर देखे बगैर नोट जेब में डाल लिया। अब तीसरी दफा इंजीनियर ने एक छोटी सी कंकरी उठाई और उसे नीचे फेंक दिया। कंकर का मजदूर के सर पर लगना था, उसने फौरन ऊपर की तरफ निगाह की। इंजीनियर ने उसे अपने काम के बारे में बताया। ये दर हकीकत हमारी जिंदगी की कहानी है। हमारा मेहरबान अल्लाह हमेशा हम पर नेमतों की बारिश करता है कि शायद हम सर उठाकर उसका शुक्रिया अदा कर दें, उसकी बातें सुने, लेकिन हम इस तरह उसकी बातें नहीं सुनते। लेकिन जो ही कोई छोटी सी मुश्किल, परेशानी या मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है, हम फौरन उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हमें सिर्फ मुश्किलात में अल्लाह याद आता है। बस हमें चाहिए कि हर वक्त जब भी परवरदिगार की तरफ से कोई नेमत हम तक पहुँचे, फौरन उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने और अल्लाह की बात सुनने के लिए सर पर पत्थर लगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।